बोकारो स्टील प्लांट के हॉट स्ट्रिप मिल में के एंड फिनिशिंग पॉइंट में तीन ट्रांसफार्मर में आग लगी। एक ट्रांसफार्मर में आग लगी थी जो बढ़कर तीन ट्रांसफार्मर में आग लग गया था उसमें, और उसमें अभी जांच चल रही है, कारखाना निरीक्षक के द्वारा जांच की जा रही है, और तो जैसे ही जांच खत्म होगा उसके बाद जो कार्रवाई करनी है कारखाना निरीक्षक के द्वारा की जाएगी। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये पब्लिक सेक्टर को सबोटाइज करने का बहुत बड़ा साजिश है। केंद्र सरकार आज बहाली पर रोक लगाए हुए है और बोकारो स्टील में प्रबंधन नाम की चीज नहीं है। जो काम हमारे रिपेयर मेंटेनेंस का काम जो हमारे परमानेंट मजदूर करते थे, आज वो काम ठीका मजदूर से कराया जाता है जिनकी नौकरी परमानेंट नहीं है। आज वो आए काम किए और कल गए, तो वो बेचारे उतने टेक्निकल हैंड होते भी नहीं है, और इसलिए हमारे प्लांट का पूरे प्लांट में और भी अशुभ घटना होने जा रही है।